बुजुर्ग माँ बाप से दूर शादीशुदा बेटी अपने मायके वालों से बात करना चाह रही थी, लेकिन मोबाइल से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस परेशानी की वजह बेटी समझ नहीं पा रही थी कि उसके माँ बाप फोन उठा क्यों नहीं रहे हैं। इस बाबत जब बेटी ने मायके का रुख किया तो दिल और दिमाग को सन कर देने वाली उस खौफनाक सच्चाई से सामना हुआ जहां हर कोई दंग रह गया। शादीशुदा रूबी परेशान हालत जालौन की कोतवाली उरई में पहुंची थी कि अगर घर में माँ बाप समेत भाई है तो कोई उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो घर के दरवाजे पर ताला जड़ा मिला, लेकिन जैसे ही बेटी रूबी ने खिड़की से झांक कर अंदर का मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इत्तला पुलिस को दी गई। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर हाजिरी लगाई, जहां इस घर के बंद दरवाजे को तोड़ा गया। मंजर देख आप भी सन रह जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। घर के मुखिया 64 साल के सुरेंद्र तिवारी, उनकी 60 साल की धर्मपत्नी अभिलाषा तिवारी, 24 साल का बेटा कार्तिक, जिनको इसी कुल्हाड़ी और हसिया से काट कर उनकी हस्ती मिटा दी गई। और इस कत्लेआम के बाद कातिलों ने घर को बंद कर दिया। लेकिन किस लिए तीरे हत्याकांड की वारदात कड़ी गई और कौन थे जालिम कातिल, कोई नहीं जानता। दुकान गए वहाँ या लेटरिन लेटरिन को तो नका रही या पंखा चल लो सूजी बोले कछू यारो नहीं मिल लो कि ऐसा हो ही नहीं सका कि मम्मी कहूँ चली जाए पापा डिम्पू घर ना रहे वे दो जहाँ घर रात कहूँ नहीं छोड़ती थी। तो आज आप आई तो भी क्या देखा, क्या हुआ है? हमने कुछ नहीं देखा, हम फोन कल से फोन मिला रहे तो हम अचानक आए, जब फोन नहीं हुआ तो बात तो जी भरवाने लगा। कत्ल की वजह क्या है, कातिल कौन थे, इस सवाल को लेकर हर कोई पसुपेश में पड़ा है। हैरान पुलिस भी है, लेकिन ताज्जुब करने वाली बात तो ये भी कि जिस घर में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया उसी घर के भीतर स्मैक चरस पीने के कागज मिले हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस समझ नहीं पा रही कि क्या सुरेन ड्रग्स स्मैक और चरस के तस्कर थे। मौका वारदात से सुराग और सबूत जुटाते पुलिस हर पहलू पर इस केस की पड़ताल कर रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है कि तीरे हत्याकांड की वजह क्या है। ये घटना लग रहा है 19:20 रात की हुई है और एक सुरेंद्र तिवारी, उनकी पत्नी अभिलाषा तिवारी और पुत्र कार्तिक जिसकी उम्र 25 है, इसकी जो है डेड बॉडी पाई गई और लगता है कुल्हाड़ी से और रॉड से मारा गया है। काफी इन्होंने संघर्ष भी किया है, उसको जो है इसके बाद लगता है बाहर से चैनल बंद करके चले गए थे। आज ये संज्ञान जब हुआ तो इसको खोला गया और तीनों के अंदर पाई गई है। तीनों के दो एक कमरे में थे और एक तीसरा बेटा तीसरे कमरे में था। अभी तक घटनास्थल में हम लोग जो देख रहे हैं तो यहाँ पर काफी ड्रग्स के सामान मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ स्मैक और जो है चरस थोड़ी बहुत मिली है और उसे चरस पीने के कागजात पेपर से मिले हैं। पूछताछ रूबी से भी जारी है जिससे पुलिस के हाथ कोई ठोस क्लू मिल सके, कोई ऐसी बात सामने आ सके कि सुरेंद्र का कैसे लोगों से मिलना जुलना था। क्या रूबी की जानकारी में यह बात है कि उसके पिता किसी अवैध कारोबार से ताल्लुक रखते थे? अगर हाँ, कहना गलत ना होगा कि ड्रग्स का कारोबार ही इस हत्याकांड की वजह हो सकती है, लेकिन अभी कुछ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लिहाजा पुलिस जब तक ये साफ नहीं करती तब तक इस वारदात को ड्रग्स से जोड़ना सही नहीं। रही बात घर में रखे न्यूज़पेपर की, तो अखबार दो दिनों पुराना है जिन्हें एक बार भी नहीं पलटा गया, यानी दो दिनों पहले ही कत्ल किया गया होगा। पुलिस के लिए वारदात बिल्कुल ब्लाइंड केस है जिसे सुलझा पाना एड़ी चोटी एक करने के बराबर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उमा शंकर मिश्र, जालौन समाचार प्लस। सबमर्सिबल पंप से निकल रहे पानी को जब बेवजह बंद किया गया तो विरोध का स्वर गूंजना लाजमी था, लेकिन दबंग ने वजह बताने की बजाय खुद की चौखट पर पानी की तरह एक बेगुनाह का लहू बहा दिया। देखिए कैसे उस परिवार की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। मम्मी को
आज कलेजे का टुकड़ा है, घर का लाडला खामोश है, जिसे उठाने की एक अदद कोशिश जारी है। माँ बाप, भाई बहन, घर की महिलाएं, हर कोई बस एक गुजारिश कर रहा है कि तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम बता सकते थे लेकिन निढाल पड़े जिस्म में भला जान कहां, कोई सुगबुगाहट है नहीं, तो भला कैसे इस बेजान से ये उम्मीद की जा सके कि इस बदहवास परिवार के दर्द के अश्क ठहर जाएंगे। किसी को किसी की सुध नहीं, हर कोई रोए जा रहा है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है। ये छटपटाहट लाजमी भी है क्योंकि खता ही क्या था नौजवान बेटे शिवशरण की, उसने तो बस इतना ही पूछा था कि खेत में लगे समरसिबल को क्यों बंद किया गया, बेवजह उसके रिश्तेदार पूरन लाल की पिटाई क्यों की गई। बस इस एक सवाल ने इस परिवार की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। आज परिवार का लखते जिगर खून से सना पड़ा है, जिसे बचाने की कोशिश जायज साबित हुई। शिवशरण तो उसी वक्त हलाक हो चुका था जिस वक्त उसके सीने में सनक की गोली दागी गई थी। बंद कर दिया समर, अगर लगा और तो हमारे सहयोग लो हमारे बाकी तो ही बची। हमने फोन कर दिया, मिला चले आओ, चले आओ। तब जे गए टिंकू, हमें पूछी क्या बात, हमने पापा क्या बात है, हमें कहा जो पूर्ण मारी है, तो जे मोटरसाइकिल चले आए उनके घर, पता नहीं इनने कहा कही जाए तो गोली इनके मार दी, हमें हमें लगी ही मिली। अच्छा, उन्होंने अपने अपने घर ही मारी, अपने घर अपने द्वार मार दी। किन्ने जिसने मारी उसने कहा ना इसको सुशील भाई द्वारी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जे गए कान की क्या बात हुई पूछन गए। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज गांव चकरपुर के रहने वाले विजय सिंह वारदात वाले दिन घर में मौजूद थे, जो इस बात से अनजान थे कि खेत में पानी डाल रहे पूरन लाल को किस तरह से बेइज्जत करके मारा पीटा गया। गाली गलौच और मारपीट की शिकायत लेकर पूरन लाल ने सारी सच्चाई शिवशरण को सुनाई, तो बात समझ में आई कि दबंगई के नशे में चूर गांव के ही रहने वाले सुशील ने जबरदस्ती समरसिबल को बंद कर दिया। विरोध करने पर पूरन लाल की पिटाई की, इस बात की जवाबदेही बनती थी कि सुशील ये बताए आखिर किस लिए उसने पूरन लाल की पिटाई की, किस लिए विजय सिंह के समरसिबल को बंद किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं, बल्कि इस सवाल के वजह में कीमत बेटे शिवशरण को चुकानी पड़ी। एक नवयुवक को जो है उसी गांव के रहने वाले दूसरे नवयुवक ने गोली मारी है और वो शराब पिए हुए था, अभी शराब पिए हुए था। सबमर्सिबल से जो पानी निकल रहा था उसको खेत में लेने के लिए करके जो है पहले जो शराबी अभियुक्त है इसने जा करके उसको बंद कर दिया, और उसके बाद से जो है मृतक के पिता से उसका झगड़ा हुआ, और उसके बाद से जब वो लड़का आया दूर से तो उसको जो है शराब के नशे में इसने गोली मार दी। घर की चौखट पर आए शिवशरण को शैतान सुशील ने बड़ी बेरहमी से गोली मार दी। गोली चलते ही पूरन लाल खौफ से भर गया, उसे समझ नहीं आया कि कैसे जख्मी शिवशरण की जान बचाई जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिवशरण के जिस्म को भेदती गोली अंदरूनी तौर पर काफी असर कर चुकी थी, यही कारण था कि शिवशरण का शरीर देखते ही देखते ठंडा पड़ गया। लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्हें तो यही लग रहा था कि वो बेटे को बचा लेंगे। हम हमारे अधिकारीगण सब मौके पर है, मैं भी इस संबंध में पूरा जो है हमारी वादी मुकदमा और सबों से बात हुई है, अभियोग पंजीकृत करके हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित करें। एक व्यक्ति सर घायल भी हुआ है, हाँ उसमें जो है एक उन्हीं के घर का उसने हमें बचाया, पूरन लाल नाम का जो है व्यक्ति है, उसको सिर पर जो है किसी भी किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से, हो सकता है वो तमंचा हो या वो देख नहीं पाया रहता, उसको मारा है, उसके सिर पर चोट है, उसकी हालत ठीक है और उसका इलाज चल रहा है, और वो जो पूरन लाल है वो मृतक के पिता को बचाने के लिए गया था। शराब के नशे में जालिम सुशील ने खूनी खेल खेल कर एक घर के जलते चिराग को बुझा दिया। जहां पीड़ित परिवार के अश्क बेकाबू हैं, वो कानून के कारिंदों से फरियाद लगा रहे हैं कि उनके बेटे के कातिल को पकड़ा जाए। भरोसा पुलिस भी दे रही है कि कातिल सुशील के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, लेकिन इस परिवार का दर्द अब भी बरकरार है, जो बेटे के जाने के गम में बिखर चुका है, जिनके जख्मों पर वक्त के मरहम की दरकार है, लेकिन ये इतना आसान कहा। बेटा, अरे बेटा, हमें बता देते तो
याद तो आएगी बेटे की, जब जब उसकी यादों की महक इनके दिलों से गुजरेगी। अनिल वर्मा शेखर, फरुखाबाद, समाचार प्लस। हर गुनहगार ये सोचकर खूनी साजिश का ताना बाना बुनता है कि वो संगीन से संगीन जुर्म करने के बाद भी पुलिस की नजरों से बच निकलेगा, लेकिन उस दोस्त ने गलती कर दी। लोगों की नजरों में आकर जहां दोस्त से हुई आखिरी मुलाकात की वजह पुलिस ने सुलझाई, तो कातिल का चेहरा भी बेनकाब हो गया और कत्ल की वजह भी। गाली देती थी सर, मेरी छोटी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी स्कूल तक भी झगड़ा नहीं किया सर। आंखों में अश्क, चेहरे पर पछतावा, लेकिन ऐसे पछतावे से क्या जहां हाथ किसी के खून से रंगे पड़े हों। सही सुना आपने, थाना इगलास पुलिस के हत्थे चढ़े इस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है और इसने अपना एक बालिया गुनाह कबूल भी कर लिया है। कत्ल किसी गैर का नहीं बल्कि बेहद करीबी का। दोस्त के खून से हाथ रंग चुके हबीब को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अपनी बेगुनाही को साबित करे, क्योंकि हबीब कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, वो तो आम लोगों की तरह एक जिम्मेदार लड़का है। लेकिन हबीब का दिल और दिमाग उस वक्त आक्रोश की आग में तिलमिला उठा जब दोस्त ने दोस्त को भद्दी गालियां दी। बहन की गाली हबीब के लिए बर्दाश्त से परे थी। लेकिन बदसुबह अकबर को इस बात का इल्म ना था कि जो गाली उसने अपने दोस्त हबीब को दी है वहां उसे अपनी जिंदगी से कीमत चुकानी होगी। और वही हुआ जो हबीब चाहता था। साजिश के तहत हबीब ने बदजुबान दोस्त की सजा तय की कि अब उसे जीने का कोई हक नहीं। हम लोगों को ये सूचना मिली कि कांदी बम्बे के पास एक डेड बॉडी पड़ी मिली हुई है। ये 100 नंबर की सूचना पे थाना इगलास की पुलिस और चौकी बेसमा की पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची और मौके पे पहुँच के हम लोगों ने देखा कि एक युवक खेत में पड़ा मिला है, जिसकी जो बॉडी है वो सर के बल नीचे मिट्टी में पड़ी हुई है। इससे हम लोगों को ये अनुमान लगा, मौके पे प्रथम दृष्टया ये हम लोगों ने अनुमान लगाया कि इसकी गला घोटकर और इसका मुंह दबा के इसकी हत्या की गई है। पेशे से हबीब एक फोटोग्राफर है जो स्टूडियो चलाता है, जहां 10 नवंबर 2016 के दिन हबीब और अकबर के बीच एक मोबाइल को लेकर कहासुनी हुई। इस कहासुनी के दौरान अकबर ने हबीब को बहन की गालियां दी। हबीब अपनी छोटी बहन को बेहद स्नेह करता है और उसके लिए किसी भी तरह की गुस्ताखी सह नहीं सकता, तो भला बहन की गाली कैसे बर्दाश्त कर पाता। मौके पे हम लोगों ने इसके पहचान की कोशिश की, आसपास के गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन कोई पहचान नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोगों ने इसको मोर्चरी भेज दिया और जहां पर इसकी पहचान अकबर शनाफ इब्राहिम नीमरी मोड़ मोहल्ला थाना देहली गेट के रूप में हुई। उसके बाद जब हम लोगों ने इस घटना की जांच करना शुरू की थी, इस घटना की जांच में कुछ नाम उभर के आए जिन्होंने इसको घटना के एक दिन पहले लास्ट टाइम टहलते हुए देखा था। 14 नवंबर 2016 के दिन जब अकबर की लाश मिली तो शुरुआती कार्रवाई के दौरान पुलिस मान कर चल रही थी कि कत्ल करने वाले ने गला घोट कर हत्या की, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि मरने वाला कौन है, कहां का रहने वाला है। लिहाजा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई कि मृतक अकबर की पहचान पर मुहर लगी, जहां पुलिस ने केस की पड़ताल शुरू की। पूछताछ करनी शुरू की तो उसने फिर बताया कि अकबर को मैंने ही मारा था और इसने ये बताया कि 13 तारीख की सायकाल 5:45 पे मैं और मेरा तहेरा भाई जाहिद सन ऑफ रणवीर सिंह हम लोग इसको लेके कांदली बम्बे के पास एक बाइक से गए। वहाँ पर मैंने इसको पहले से ये बता रखा था कि मैं तुझको अपनी वहाँ पे गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। बम्बे के पास जाके हमने अपनी बाइक खड़ी की और हम इसको खेत की ओर लेके गए। जब हबीब से हम लोगों ने काफ़ी गहराई से पूछताछ किया तो हत्या की वजह ये बता रहा है कि 10 तारीख की
10 तारीख को अकबर हमारे हमारी दुकान पे, इसकी दुकान गोंडा रोड पे फोटो स्टूडियो की है, ये मेरी दुकान पे आया था और एक फ़ोन को लेके इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था और इसने इसकी बहन को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी थी। हबीब जानता था कि अगर उसने अपना बदला पूरा नहीं किया तो वो ताउम्र अपने आप को माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने बहन की गाली सुनी थी तो भला गाली देने वाले को वो कैसे माफ कर देता। हबीब ने अपने एक अजीज साथी की मदद ली, सोची समझी प्लानिंग के तहत खूनी खाका तैयार किया जिससे कि अकबर को झांसा दिया जा सके, उसका काम तमाम हो सके। उन्होंने कहा ये मोबाइल जिसका है उसकी बहन की गाली दी थी, मतलब सर मुझे मोबाइल लेके वो अपना चला गया था। फिर क्या हुआ? वो सर फिर 13 तारीख को आया था 2:45 के समथिंग, तो हम लोग मोहर बनवाने के लिए गए थे, मोहर बनवा के वो मेरे पास से चला गया था वापस आके 2:45 के। किस चीज़ की मोहर बनवाई थी? सर वो मैं अपने स्टूडियो की मोहर बनवाने के लिए जा रहा था और वो कोई अपने रेलवे की मोहर। शायद अकबर बहकावे में कभी नहीं आता, लेकिन अकबर के रंगीन मिजाज होने का फायदा हबीब को मिला, क्योंकि हबीब ने वादा किया था कि वो अपनी माशुका से अकबर की एक मुखत्सर मुलाकात करवाएगा। इस वादे के बाद अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं था, हबीब की गर्लफ्रेंड से मिलने की उत्सुकता बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हबीब का इरादा कातिलाना था। मां पहुंच गए खेत में, चाकू निकाला तो उनने चाकू छीन के फेंक दिया मुझसे, तो मैंने उसे धक्का मारा आगे की तरफ तो वो आगे मुंह करके गिर गया था, तो फिर मैंने उसका गला दबाया सर, बस मुझे गाली देती थी सर, मेरी छोटी बहन है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी स्कूल तक भी झगड़ा नहीं किया सर। अब हबीब के चेहरे से फरेब का नकाब हट चुका है, वो अपना एक बालिया गुनाह कबूल कर चुका है कि उसने अकबर की किस लिए हत्या की। बहन की गाली बर्दाश्त से परे थी तो सवाल ही नहीं उठता कि वो अकबर को छोड़ दे। गाली से बौखलाए इंतकाम की आग में चल रहे हबीब ने अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को खून से बुझा दिया। अब फैसला अदालत को लेना है कि हबीब ने जो किया वहां उसकी सजा क्या बनती है। क्या हबीब का लिया फैसला जज्बात में लिया गया फैसला था किसी फायदे के लिए नहीं? अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। ढलती शाम के साथ बुलंदशहर पुलिस एक केस पर कमर कस चुकी थी, लेकिन उसी कड़ी में एक और सनसनीखेज सूचना मिली, वो भी फरार खूंखार अपराधी हरेंद्र से जुड़ी। तो पुलिस ने फौरन उस इलाके का रुख किया जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन जीत का सहरा पुलिस ने बांधा और कुख्यात को टेकने पड़े घुटने। खबर पक्की थी, पुलिस जिसकी तलाश में काफी दिनों से थी, वो खूंखार बुलंदशहर में किसी की जिंदगी हलाक करने निकला था। मुखबिर तंत्र के हवाले से मिले तला पर पुलिस ने जिले की चौकसी बढ़ा दी, हर तरफ नाकेबंदी की गई। पुलिस ने बिना देरी किए मौके का रुख किया, क्योंकि खबर मिल चुकी थी कि कार सवार अपराधी नाके को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे पुलिस ने अपनी आंखों के सामने से गुजर रही हुंडई की वरना कार नंबर UP16P3339 रफ्तार से लबरेज आगे बढ़ती देखी, पुलिस ने भी हिम्मत दिखाई, कार को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जहां खुद के बचाव में पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। घंटों चले मुठभेड़ में थाना सिकंदरा के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने अपने पैर पीछे नहीं किए, टीम का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ अपराधी को घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे और आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई। मुठभेड़ के दौरान एक गोली खूंखार हरेंद्र के पैर में लगी, जो 50,000 का इनामी बदमाश निकला। ये 50,000 का इनामी है हरेंद्र पुत्र महावीर, इसके खिलाफ लगभग 13 मुकदमे हैं।
और टीम इस पर काम कर रही थी। आज सूचना मिली थी शाम के समय, उस पर ये लोग लगे हुए थे, पूरी टीम इस पर लगी हुई थी और एक ये गिरफ्तार हुए और दूसरा आदमी भाग गया। किस तरीके से मुठभेड़ हुई है, क्या थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, पीछा किया गया इनका और पूरी फोर्स मोबिलाइज की गई थी इनको पकड़ने के लिए। बहुत कोशिश की दूसरे वाले को भी पकड़ने की, पर वो चला गया। देर शाम मिली इत्तला के बाद जिले की पुलिस कप्तान साहिबा ने भी मौके का रुख किया, जहां बदमाशों से पुलिस का मुकाबला हुआ था, लेकिन खूंखार अपराधी हरेन को मुंह की खानी पड़ी, जो अब तक खौफ का पर्याय बना। दहशत फैलाने का कारोबार चला रहा था वो पुलिस से घिरा मिला, जख्मी पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। लूट, मर्डर, फिरौती और अपहरण बुढ़ाने में हुए दंगों का दोषी हरेन को कई जिलों की पुलिस को तलाश थी, लेकिन हर बार शातिर अपराधी हरेन चकमा देकर फरार हो जाता था, लेकिन इस बार उसकी शातिरी काम लाई। जितने भी रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं हम लोगों के रडार पर हैं और एक एक करके हम सभी को एनकाउंट फॉर करेंगे। ग्रेजुअली यू विल सी द चेंज। इसमें क्या सिकंदराबाद थाना प्रभारी को भी चोट आई है? हाँ, थाना प्रभारी को भी चोट लगी है। क्या गोली लगी है, क्या चोट? नहीं, वुंड डीप नहीं है, पर चोट लगी है उनको एनकाउंटर के समय। इनपुट के आधार पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कुख्यात हरेन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जहाँ पैसे लेकर वो बुलंदशहर में किसी की मौत की तारीख मुकर्रर कर चुका था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया, जहां आज पुलिस अपनी कामयाबी से बेहद चौड़ी है, जिसकी हम भी सराहना करते हैं। कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार।